राम राम, जय श्री राम। तो क्या हाल है? बढ़िया ही है। मेरी पिछले व्लॉग वाली बात सुनी थी ना, दिए सबने खरीद ले दिए? भाई खरीद लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है सारे हिंदू भाइयों से। और तुम्हारा भाई तो भाई देखो बाल बाल कटवा के बढ़िया से सेट वेट होके पूरा हीरो बन चुका है। तुम्हारा भाई देखो और भी तरह तो बोले हैं शाहरुख खान, सलमान खान, क्योंकि हम खुद ही एक हीरो है। तुम्हारा भाई ब्लॉगर बन चुका है, तुम जानते हो। तुम्हारे प्यार से मेरे आज 15,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ज्यादा महीने में नहीं, 3-4 महीने में ही हो चुके हैं। और अब लग रही है भूख, तो आज खाने में हमने क्या बनवाया भाई? आज हमने खाने में कढ़ी चावल। और आज क्या धमाका आने वाला है, तुम सोच सकते हो? तुम्हें मैंने अब तक 25 लाख के नंबर दिखाया था ना, आज वो क्या गाड़ी का नंबर दिखाता हूँ। और तुम बोलोगे यार आयुष भाई तुम ऐसे नंबर ला कहाँ से रहे हो? ला कहाँ से रहे? अपना कंटेंट है सबसे अलग। जो भी हम वीडियो में गाड़ी के नंबर हर चीज दिखाते हैं, सबसे अलग दिखाते हैं और हटके दिखाते हैं। तो चलो जल्दी से खाना खा के दिखाते तुम्हें। भाई भैया मैं तो मॉल, ये देखो गाइस, हमें यहाँ जाना था, वहाँ जाना हमारा हो गया था कैंसिल, हम लेट हुए क्योंकि। तो अभी हमने लिवाइस से एक पैंट ली है और अपने जोगी से इनर वगैरह लिए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरा ध्यान में रखते हुए। चलो देन लेट्स गो होम। और तुम्हें अब धमाके दिखाता हूँ, जो धमाका था अब चल के दिखाऊंगा। धमाका धमाका आ चुका है यार। ये वाली गाड़ी धमाका नहीं है, ये तो भगवा रंग की तुम्हें दिखाई चुका हूँ। 22 जनवरी को तुम जानते भी हो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और हमारी गाड़ी भी भगवा रंग की है, जय श्री राम लिखवाए रखे। नहीं लिख पता तुम्हें तो देख लो। ये देखो भाई हिंदू, पास आओ और ये दिखाओ जय श्री राम पे। अब जो मुझे मेन चीज दिखानी थी वो मेन चीज क्या है? गाड़ी का नंबर। गाड़ी का नंबर क्या है मैं भूल गया, लेट मी चेक। गाड़ी का नंबर है DEB666। समझ रहे हो? लोग लेते हैं 0001, 0002, 0003, 0004। सीरीज ही अलग है जो यहाँ कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, बहुत रेयर चांसेस में दिखने के लिए मिलती है। लास्ट लोग में तुम्हारे भाई ने वो किसका दिखाया था, शिफ्ट का दिखाया था, और अब दिखा रहा है i20 का। ये देखो इसमें जूम करो, ले जाओ इसे पूरा। DEB666 कितने रुपये? कितने? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? नहीं भाई, ये नंबर बता दूं, ये नंबर भाई 20 लाख रुपए का है। 20 लाख रुपए का आज टाइम में इस नंबर की वर्थ है, जब हमने चेक करी थी। क्या पता बढ़ भी चुके हो भाई, मेरे हिसाब से 20 लाख का नंबर तो यार मायने रखता है। और पुरानी आदत तुम हमारी जानती हो, जेड ब्लैक। क्या गाड़ी जेड ब्लैक शीशे रहते हैं पूरे। इधर भी दिखा दो, पूरी गाड़ी टिंट रखते हैं, क्योंकि यार तुम जानते पुलिस वुलिस से घबराने की बात है नहीं, प्रशासन ही अपना है। पर जिस दिन प्रशासन आ गए गुस्से में, फिर तो तुम जानते हो उनसे ऊपर कोई होता नहीं है। तो तुम भाई बताना तुम्हें कितनी इस नंबर की वर्थ लग रही थी, मैंने तो तुम्हें बता दी 20 लाख, पर तुम लोग जरूर बताना ठीक है। और ये देखिए अपनी धन्नो, एक धन्नो वो गाड़ी जो तुम्हारा भाई लेके जाता है, ऐसी अपना गाड़ी का भवंडर है और थार चांदनी चौक है। और अभी सुन तुम्हें एक और नई गाड़ी दिख जाएगी, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। यार मुझे समझ नहीं आता इतना हमें शौक चढ़ा कहाँ था नंबर वगैरह का। तो भाई इसी बात पे ना एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना, इस गाड़ी को तुमने देखा होगा, रे जेड ब्लैक पूरी। यार मजाक नहीं कर रहा यार, सच में DEB666। अच्छा जीरो भी था भाई इसमें, मेरे को जीरो का पता नहीं था। चलो कुछ नहीं होता, पर यार ये सीरीज तुमने बहुत कम देखी होगी। तो देख ही ली थी, अब जो जरूरी काम था मतलब चांदनी चौक जा रहे हैं, जल्दी से चलते हैं, लेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तुम्हें दिखाता चाहे जो ऐसे हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा पापा से काम है, फिर वहां से सीधा नोएडा। और ये देखो भाई जाम, और ये गड्ढे और अलग खुद रखे हैं भाई, खुद रखे हैं चांदनी चौक में। देखो भाई जाम बहुत ही हालत बुरी हो रखी है। ताजा खबर है तो आज की क्या भाई, डेली की ताजा खबर है, जाम ऐसी रहता है। तो प्लीज कृपया गाड़ी मेरी तरह अंदर लेके ना जाए, ये तो गुरुद्वारे में जा रही है, हमें तो यार और आगे जाना है और जाम में फंसना पड़ेगा। काम कर लिया चांदनी चौक से, जल्दी निकल गए गाड़ी से, गाड़ी में जो काम था वो निकलवा लिया। और बहन आई थी साथ में, बहन को कर दिया हमने ड्रॉप, खाली पड़ा देखो, थोड़ी सी देर बाद ही खाली हो गया, क्योंकि इस समय गाड़ी वाड़ी नहीं आती ना, पुलिस चलान बुलून काट देती है। हम तो जिद्दी हैं, ये खड़े देखो पीसीआर लेके अपनी। पर यार जाम ने तो हालत कर रखी है, टूरिस्ट पुलिस, टूरिस्ट को भी सेवा हो भाई, इन्हें फ़ोन करें, इनसे मिलिए, ये तो परेशान आत्मा की तरह घूम रहे भटक रहे हैं। ये अपना गुरुद्वारा जो बन रखा है नया, अब जल्दी से जाएंगे नोएडा और मौज बांध देंगे। ऐसी है दिल्ली का जाम, और अब नोएडा के जाम से भी देखते हैं नोएडा में कितना जाम हो रहा है, नहीं हो रहा, यहाँ पे गड्ढे हो रखे होंगे यार, बड़ी परेशानी है गाड़ी निकालने घुसाने में ना, चांदनी चौक में तो
रोना आ जाता है। चलो चलते हैं, रोते तो हम कभी है नहीं, पर जनता की ज्यादा भीड़ है। ऐसे ही बताया था हमने, बहुत सारे राम जी के क्या बोलते हैं, हमने झंडे खरीद लिए हैं, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर बन चुका है, 500 सालों बाद वापसी हो चुकी है राम जी की। तो हम सबसे पहले शुरू, दिवाली तो बनेगी वो तो ऐसा मुद्दा है ही है, तो हम सबसे पहले शुरुआत बांटने से कर रहे हैं हमारे बब्लू भैया से, इंडी पॉप के मालिक। ये लोग भैया अच्छे से लगाने के आते, ठीक है? जय श्री राम बोलो जोर से, जोर से भाई, तुम भी बोलो सुन रहे हो इधर, जय श्री राम। किसी से बात करते जब भी ऐसी होता है भाई, जय श्री राम भाई। गलती भाई, गलती इनकी नहीं है, इन पे लड़कियां नहीं है इसलिए। चलो ठीक है भाई, बाय, जय श्री राम। झंडा तो बांट चुके थे हमने, तुम्हें बताया था हम जय श्री राम के झंडे बांटना शुरू कर चुके हैं। लो भैया, ठीक है भैया, घर पे लगा लेना, बढ़िया से, बढ़िया लगा लेंगे जी, बढ़िया से लगाना डंडा लगा के, ठीक है घर पे। और क्या, इसी बात पे जय श्री राम कह दो एक बार, जय श्री राम, जय श्री राम भाई। हमने इन भैया को झंडा दिया था, इन्होंने लगा भी दिया, यहाँ पे देखो भाई पूरा जय श्री राम का झंडा हमारा। इसी बात पे भैया जय श्री राम कह दो एक बार, जय श्री राम। हर जगह राम मंदिर की चर्चा चल रही है और खर्चा हो रहा है, कहाँ राम मंदिर पे भाई, मतलब कुछ घंटे बचे हैं बस, कुछ घंटे और फिर हमारे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। कल राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा 500 सालों बाद। जो जो लोगों ने बीच में टांग अपनी अड़ाई थी उन्हें सुन लेना चाहिए कि राम मंदिर अब बन चुका और उद्घाटन हो रहा है। और भाई तुमने नंबर देखा ही था, 20 लाख का नंबर भाई मायने रखता है, ये शौक ही अलग है, एक महंगे महंगे शौक। और ये सीरीज तुम इतनी कम देखते हो, तुम भी जानते हो सीरीज मार्केट में मतलब दिखती नहीं है भाई, रोड पर चलती बड़ी मुश्किल से और बहुत कम दिखती है। तो सारे भाई बताना सारे भाई को व्लॉग कैसा लगा, और ऐसी भाई अपना प्यार बनाए रखो। सारे भाई को राम राम, जय श्री राम।